हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए मैथ से रिलेटेड न्यू ट्रिक्स, न्यू वीडियोस, न्यू पज़ल लेकर आते रहते हैं, ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू पज़ल जिसका जवाब 99% लोगों ने गलत दिया है। उसमें ऐसी क्या ट्रिक्स यूज़ हो रही है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी पज़ल को विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। पज़ल आपको आपकी स्क्रीन पे दी जाएगी, उसके लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। आपको उस लिमिटेड टाइम में पज़ल को सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पज़ल आपकी स्क्रीन पे ये रही। पज़ल को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए बात करते हैं आप पज़ल के सोल्यूशन में। कुछ लोगों ने पज़ल को सॉल्व किया है और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताया हुआ है। अब देखते हैं कि पज़ल का सोल्यूशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है पज़ल में, क्या ट्रिक यूज़ हो रही है और कैसे हम पज़ल को विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। हमारी पज़ल थी 1+1=8, 2+2=32, 3+3=72 और हमें डिटरमाइन करना था कि 4+4 की वैल्यू क्या होगी। जब भी हम पज़ल सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सबसे पहले लॉजिक फाइंड करना होता है। हमें सबसे पहले लॉजिक फाइंड करना है कि पज़ल में क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है और हमें ये भी देखना है कि नंबर किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, किस बिहाफ पे नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर हमने कॉन्सेप्ट फाइंड कर लिया, हमने लॉजिक फाइंड कर लिया पज़ल का, तो हम इज़िली पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, कम टाइम में अच्छे से पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को फाइंड करना है, लॉजिक को फाइंड करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1+1=2 क्या दिया हुआ, 8। लेकिन 1+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1+1 को हम लिख सकते हैं 2। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 8 वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, 2+2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 16 एंड 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 32। 32 हमें गेन हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट हम थर्ड में भी अप्लाई करेंगे। हम चेक करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो तीनों में अप्लाई हो रहा है। अगर वो तीनों में अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। तो चेक करते हैं, 3+3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 और 36 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हम कॉन्सेप्ट हमने फाइंड किया है, जो लॉजिक फाइंड किया है, वो तीनों में अप्लाई हो रहा है। अगर ये तीनों में अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ में भी अप्लाई होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4+4 को हम लिखेंगे, 4+4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा और उसके बाद क्या करना है, हमें 64 को 2 में मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आ जाएगा, 128। तो फाइनली हमारी पज़ल का जो आंसर है वो 128 है। इस पज़ल का 128 आंसर है। हम सबसे पहले हमने क्या किया, जो नंबर्स हैं उन्हें ऐड किया, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर किया, उसके बाद जो वैल्यू है उसको 2 में मल्टीप्लाई किया। सारे क्वेश्चंस में हमारा यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था, इस वजह से जो लास्ट का जो हमें फाइंड करना था, जो डिटरमाइन करना था, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा और इससे हम इजली जो आंसर है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 128। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमने ट्रिक्स यूज़ की, जो हमने मेथड यूज़ किया, जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि इस पज़ल को सॉल्व करने का क्या लॉजिक था। तो किसी भी पज़ल को सॉल्व करने वक्त हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है उस पज़ल का लॉजिक। अगर हमने लॉजिक फाइंड कर लिया तो हम किसी भी पज़ल को विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मैथ से रिलेटेड न्यू ट्रिक सीख सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।